मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस इवेंट पे इनवाइट किया गया है एंड आई थिंक आई सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच पेंटिंग्स एंड मोर सच एग्जीबिशंस इन द फ्यूचर. थैंक यू. देखिए कलर से हम उमंग भरे हो जाते हैं, हम तरंगित हो जाते हैं, हमें ऊर्जा पैदा हो जाती है और जब हम कोई भी पीस ऑफ आर्ट देखते हैं, जैसे मेरे ऊपर बुद्धा और बुद्धि का आविष्कार बुद्धा जो अमल जी ने किया है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है और उससे मन संतुलित होता है, हम तनाव मुक्त होते हैं, पीड़ा मुक्त होते हैं, दिल में खुशी सी जाती है, हम एनर्जाइज हो जाते हैं, मैक्सिमाइज हो जाते हैं और मिकी माइज हो जाते हैं. मिकी माइज आप जाना चाहेंगे यहाँ पे एग्जीबिशन किस तरह लग रहा है, कौन सी पेंटिंग्स आपको अच्छी लगी या चीजें आप कहना चाहेंगे? आई थिंक सारी पेंटिंग्स अपने आप में यूनिक है. द सीनियर आर्टिस्ट हैव डन अ वंडरफुल जॉब. मनमोहन जी के साथ ही मेरा सेकंड एग्जीबिशन है एंड जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक पेंटिंग मेरी फेवरेट है सबसे, आई थिंक श्रीकांत पोदार जी की है वो, एंड द लेडी विद द लैम्प वो मेरी सबसे फेवरेट है. एंड आई थिंक जो मनमोहन जी इतने सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा करते हैं, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, यही बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू मनमोहन जी फॉर हैविंग मी हियर एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द आर्टिस्ट. थैंक यू. From across the country on this one platform so that they get a lot of exposure. The seniors also need it. It's a beautiful
एसोसिएट करता हूँ, जिन्होंने महीनों महीने मेहनत किया है तो असली क्रेडिट आर्टिस्ट को जाना चाहिए। पर अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करोगे तब जाके इनको भी कितना, इट टुक मी 10 इयर्स टू क्रिएट दिस फिल्म, सो क्रेडिट आपको बहुत ज्यादा जाता है। थैंक यू। हो गया, आर्टिस्ट से इस एक देश की पहचान बनती है, एक समाज की पहचान बनती है आर्ट और आर्टिस्ट से। आप जब आर्ट को अगर इस कोई भी देश में या समाज में अगर आर्ट की प्रगति हो रही है, मतलब समाज की प्रगति हो रही है, देश की प्रगति हो रही है, आर्ट की प्रगति अगर हो रही है तो मतलब फ्रीडम है उस सोसाइटी में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी तरह है, तो आर्ट का तो एक स्थान ही अलग है समाज में और पूरे विश्व में। तो यहाँ पे भी ये जो एग्जीबिशन है, मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ मनमोहन जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म दिया आर्टिस्ट को अपना एक टैलेंट दिखाने का। और मैंने खुद अभी एक ग्राउंड लिया है, पेंटिंग्स देखा है, तो मुझे खास करके शिव जी के जो लिंग के जो पेंटिंग्स हैं और कुछ और पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इनको पूरी सक्सेस मिले इस एग्जीबिशन में आर्टिस्ट को, और उनको और ग्रो करने का एक माध्यम मिले इस एग्जीबिशन के थ्रू। इंडिविजुअल को पेंट करते हैं तो उसके रूह के अंदर एक आपको बिल्कुल अंदर जाके आपको उसकी समझना पड़ता है कि उसका उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या है। वो समझ अगर आप में है तब जाके वो पेंटिंग में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बहुत ही कठिन काम है। और यहाँ जो अक्षय कुमार जी का जो पेंटिंग देखा है मैंने, लता जी तो हमारे लिए मतलब साक्षात सरस्वती भगवान के बाद अगर उनका स्वर का अगर पहचान है इस देश में तो इट इज़ लता जी। तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, तो फुल मार्क्स टू द आर्टिस्ट। स्प्रिंग यहाँ पर आ गए हैं, हालांकि दिस इज द 13th एडिशन जो बहुत ही लकी नंबर है, और स्पेशली जब न्यू ईयर की शुरुआत होती है कलर्स ऑफ स्प्रिंग सीजन 13 से हो तो क्या बात है। हम हमेशा लगे रहते हैं सर, एसपी आहूजा सर है मेरे साथ, विवेक इज देयर एंड मनमोहन जायसवाल जी हैं, हम हमेशा लगे रहते हैं अपने दुनिया में, अपने मन को मोने में, अपने मन को खुश करने में। लेकिन ये मनमोहन जी हैं कि दूसरों के भी मन को मोह लेते हैं सिर्फ अपने पेंटिंग्स के थ्रू। हर एक पेंटिंग में उसका हार्ट और सोल है और इतना ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करता है वो। हालांकि हम सबकी परसेप्शंस अलग है, लेकिन जो विजुलाइज हम करते हैं इट टेक्स यू इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, और हमारे मन के अंदर हमारे दिल में स्प्रिंग पैदा हो जाता है, और यही है न्यू ईयर की शुरुआत। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन हुज एग्जिबिटेड देयर पेंटिंग्स हियर। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी टू ऑफकोर्स द लेजेंड मिस्टर मनमोहन जायसवाल, जो हम सभी को यहाँ पर बुलाकर इतना ब्यूटिफुल फील करवाते हैं ओनली थ्रू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। और आर्टिस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, इसलिए नहीं है बिकॉज दे मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, एंड इट्स ट्रूली माई ऑनर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच टू मिस्टर मनमोहन जी, थैंक यू। एक्चुअली अभी आई हूँ, लेकिन जो मुझे आर्ट वर्क दिख रहे हैं, जो मैंने 3 आर्ट वर्क देखे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी फोटोग्राफी हुई है, इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तो है जो स्केचेस है, एक तो है द वाइल्ड विच इज़ इन द वाइल्ड, जो परसेप्शन होता है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। और पेंटर्स से और हमारे जो ब्यूटिफुल आर्टिस्ट हैं, मैं पेंटर्स से उन्हें आर्टिस्ट कहना चाहूँगी, उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगी और उनके परसेप्शन और उनके विजुलाइजेशन के बारे में पूछ कर आई वुड लव टू स्पीक अबाउट दैट। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मेरे लेफ्ट साइड पर है, ऑलरेडी मैं उनसे मिल चुकी हूँ, जो स्कल्पचर्स यहाँ पर हैं वो एक फोटोग्राफर भी है खुद, और अपने फोटोग्राफी के माध्यम से पेंटिंग्स बनाते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने स्कल्प्ट किया है समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद आया एंड मैं इसे ज़रूर पसंद अभी फिलहाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब तक पूरा राउंड नहीं घूमी हूँ, मैं अभी आई हूँ। सो फिलहाल आई थिंक आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट जिनके लंबे बाल हैं, व्हाट्स अखिलेश गौर, अखिलेश जी, आई थिंक आई एम ट्रूली ट्रूली इम्प्रेस्ड विद हिम। जी मेरी फिल्म आली है जिंदगी तुमसे, मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ दिल चाहता है फ्रॉम द फिल्म जिंदगी तुमसे, और कल फिल्म फेस्टिवल कर रही हूँ, सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है फॉर द न्यू ईयर रीड जो सबसे बड़ा पैन इंडिया और दुबई में हो रहा है। एंड इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स मैं
मनमोहन जायसवाल जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे जोड़ते हैं इस फील्ड ऑफ आर्ट से, माध्यम से, क्योंकि पहले एंकर और ऑथर तो थी लेकिन अब आर्टिस्ट भी बन रही हूँ थ्रू द डेब्यू फिल्म. थैंक यू सो मच. Experience is like, I must say it's very awesome. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें innovative मुझे दिखाई दी हैं इस बार. जितने भी artist हैं उन्होंने जी जान से अपना जो inspiration और creativity पूरा जो दिखाया है, बहुत ही wonderful तरीके से color combinations को, theme और concepts को जो दिमाग में रखकर उन्होंने canvas पर उतारा है, it's really appreciable. I had loved one of the painting जो वहाँ पर वो साइड में एक जो लगी है जो कि लता मंगेशकर जी के ऊपर है, उनके सारे miniatures के ऊपर से उनका पूरा portrait बनाया गया है. It is wonderful. शुभकामनाएं भी हैं और ऐसे ही
माहौल बनता है। मैंने मेरे पेंटिंग में अटैचमेंट लगाने की कोशिश की है और मुझे फॉग बहुत पसंद है, तो मैं सब पेंटिंग फॉग के भी बनाए हैं मैंने, तो बस ऐसे ही कारोबार चल रहा है। बहुत से अच्छे विजिटर्स आते हैं, 3 दिन के अलग अलग विजिटर होते हैं, 3 दिन का अलग शेड्यूल होता है, देखने वाले और कुछ खरीदने वाले और कुछ आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करने वाले आते हैं, तो सब ही अच्छा है। इसके पीछे मैं आके बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ मनोज जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है चीफ गेस्ट में, उनका खास आभारी, वो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, उनके कहने से मैं आया। आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मुझे आने में बहुत ही लेट हो गया। मैं उनकी बात से काफ़ी सहमत हूँ, कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, अच्छी सी पेंटिंग बनाई है और आई थिंक मनमोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी की है। जो बड़े बड़े गेस्ट हैं, जब तक कोई अच्छा ऑडियंस आपको नहीं मिलता है, चाहे हम सिंगर हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, तो फिर हम अधूरे होते हैं। और वहाँ क्रिएटर के साथ में जो लॉन्ग जर्नी होती है उनको जमा करना तो जरूरी है। इट टुक मी 10 इयर्स टू रीच हियर, एक अच्छा ऑडियंस और अच्छे ऑडियंस भी चाहते हैं। मैम आपका क्या टेक है, बहुत अलग अलग ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, कलरफुल पेंटिंग्स है, कोई आपकी फेवरेट या कुछ आपको कहना चाहें? कला जो होती है वो कहीं बांधी नहीं जा सकती, उसकी अपनी सीमाएँ नहीं होती, कोई और यहाँ जितने रंग हैं उतने ही अच्छे खूबसूरत चेहरे भी हैं और उतना ही अच्छा सारा सौजन्य से ये प्रोग्राम बनाया, कॉम्बिनेशन है आर्टिस्ट का, आर्ट लवर का और जो चाहने वाले हैं बाकी पेंटिंग बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्रेंट पेंटिंग्स हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखी होगी आपकी पेंटिंग्स से लता दीदी की, जिसमें उनके साथ
आर्ट में न जाने कितनी आउटस्टैंडिंग वुमेन्स को भी उन्होंने चित्रित किया है। ये एक अद्भुत तरह की पेंटिंग है और आज जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जब पतझड़ चला जाता है और वसंत आता है तो वहाँ का कैसा वातावरण होता है वो आज यहाँ पर हमें दिख रहा है। हर पेंटिंग हमसे कुछ न कुछ कहती है, हर एक चित्र में कहानी होती है, उस कहानी को समझने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। कई बार हम उसे समझ नहीं पाते हैं लेकिन उसे अगर हम ध्यान से देखेंगे और उससे हमारे दिल को उससे छुआएंगे तो हमें हर समस्या का, हर जटिलता का हमें हल मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चित्र को ध्यान से देखें और उसके अंदर जब तक हम 100% कोई भी चीज़ में नहीं डालते हैं तब तक हम उसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष खिलता है, वो बादलों के बीच में खिलता है, लेकिन वो हमें ये संदेश देता है कि अपने कठिन से कठिन समय में भी आशा का दामन मत छोड़िए। वैसे ही ये सारी कला, ये सारे चित्र भी हमसे कहते हैं कि अपनी आशा को बनाए रखिए। वैसे तो कहते हैं कि बुलबुल के तरानों को भी कहीं सरगम की समझ दी जाती है, हीरे जैसी कनी को कहीं मोती की चमक दी जाती है। किस चित्रकार में जुर्रत है जो निसर की तुलिका में कोई रंग भरे, अरे सोने के कंगन को भी कहीं सोने की चमक दी जाती है।